पेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी, वो ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। पुलसोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डिबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। हम मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाओ, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखे कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वाओ, चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डिबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डिबो, चलो चल के पता लगाएं। मुझे विंग्स की जरूरत है। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। मैं ब्लिपी हूँ और ये है डिबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है, जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डिबो, मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है, तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है, सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो?
उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं, पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब वक्त है जैमिंग का। 1, 2, 3, 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय फ्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। वो, कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1, 2, 3। 1, 2, 3। ओ, मुझे गिनती करना पसंद है, तुम्हें नहीं है डीबो? अरे, वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू। हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रृंख हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1, 2, 3। 1, 2, 3। वाह। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकती क्यों हो। हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1, 2, 3। 1, 2, 3। अच्छा, तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे। 1, 2, 3। 1, 2, 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो। यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1, 2, 3। 1, 2, 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं।
जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। एक दो तीन, एक दो तीन। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनिया ले जा रही है। सही कहा डीबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अच्छा आइडिया है, चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। ओ नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओ डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डीबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह थैंक्स डीबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है तो उसे हमें बिजी रखना होगा, वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाक के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह थैंक्स डीबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी, और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती है, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती है। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी और डीबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। वाओ, मुझे हमारा ब्लिपी मोबाइल बहुत पसंद है। सही कहा डीबो, हमारी गाड़ी सचमुच शानदार है। मैं सोच रहा हूँ पहले गाड़ियाँ कैसे होती होंगी। अच्छा आइडिया है, हम वक्त में पीछे जाकर पहले की गाड़ियों को देख सकते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर ब्लेड्स चाहिए होंगे। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। वक्त में पीछे चलो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हम वक्त में बहुत पीछे आ गए हैं, लगभग 100 साल पीछे। पता नहीं ये किसका घर है। ये मेरा है। मेरा नाम है ब्लिपी, तुम्हारा? हे, मैं हूँ ब्लिपी। रुको, क्या आप मेरे परदादा जी हैं? लगता तो ऐसा ही है। मेरे फ्यूचर के परपोते, इधर आओ। हम यहाँ पर ये देखने आए कि पहले की गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। सही वक्त पर आए हो, मैं अपनी पहली ऑटोमोबाइल को सफर पे ले जाना ही वाला हूँ, है ना? एकदम लाजवाब। बहुत अच्छी है, कूल। तो ये स्टार्ट कैसे होती है? ये क्रैंक चिंगारी लगाएगा जिससे कि इंजन शुरू होने में मदद होगी। और ये इंजन चालू हो गया है।
मुझे लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सिर्फ दो लोगों के लिए ही जगह है और सीट बेल्ट्स नहीं है। सीट बेल्ट्स आपको सेफ रखती हैं। बढ़िया, सीट बेल्ट्स ठीक है, चलो उस चोटी के ऊपर। कर लेंगे आप, अब नीचे जाते हैं। ओ नो डीबो, क्या गाड़ी में कोई ब्रेक्स है? बिल्कुल है। ये काफी मजेदार था, है ना? बढ़िया। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि पहले गाड़ियाँ कैसी हुआ करती थी। आपको क्रैंक को घुमाकर शुरू करना होता था, उसमें बस दो सीट्स थी और ब्रेक के लिए हैंड लीवर को खींचना होता था। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय पर दादाजी फ्लिपी, खुशी से महफूज रहना। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप, मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पम्पकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद, हाँ। मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं, जो मजेदार भी है। वाह, शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो, वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पम्पकिन, टैप, हेलो। ओह सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। वो, 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 वो। फिर से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है, इसका पीछा करते हैं। हेलो डायन, बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यही खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। वाह, बधाई हो ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैब नहीं दिखा। टैब, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पम्पकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। हे, ये तो कचरा ट्रक है, मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैप, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है, जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, मक्खियाँ। हे देखो टैप, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैप, हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म।
ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांस से पकड़ो टैप। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है। मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंध पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ान देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकना पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक कि बचे हुए मिस्ट्री मैश भी है। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्तरा की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है। इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरेस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंध पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्तरा है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी। वाओ, वो काफी ऊंचा पहाड़ है। मुझे यकीन है कि इससे भी ऊंचे पहाड़ है टैप, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़िया आइडिया टैप, हम हिमालय जाएंगे और पता लगाएंगे। मुझे पंख और ग्रैबर आर्म्स चाहिए होंगे। विंग्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म। प्रीपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में। याहू! हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है टैब। हमें सबसे ऊंचे पहाड़ की तलाश है। मैं अभी पहाड़ चढ़ रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम बेनी यती है। यती! मैं अभी ऊपर की ओर जा रहा था। वहीं सबसे ऊंची बर्फ है। पुरानी बर्फ से बुरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मैं भी साथ टैग आ सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी कैसी दिखती है। हाँ जरूर, लेकिन तैयार हो जाओ, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। कितने ऊपर आ गए हैं और यह बहुत ज्यादा ठंडा है टैब। शुक्रिया टैब, मुझे गर्म कोको बहुत पसंद है। पकड़ लिया। ये काफी करीबी मामला था। हे, ये पहाड़ की चोटी है। हाँ, हम पहुंच गए। अरे वाह, यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया ब्लिपी। तो ये बताओ, इस पर्वत का नाम क्या है? इसे हिमालय कहते हैं। ओह, तुम इसे माउंट एवरेस्ट भी कह सकते हो। तुमने सही कहा टैब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट।
ये पहाड़ 29,035 फीट ऊंचा है। जब आप अपलोड करो टैप। और यहाँ की बर्फ बहुत ही स्वादिष्ट है। बर्फ की डकार। अब अपने स्नो स्नैक का आनंद लें। अलविदा बेटी एटी। बाय ब्लिपी। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है। और वो कितनी तेज जा रही है? तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो, हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं। और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय, क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय, मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ, चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊँगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नर्म होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं? वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनामिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। चाओ। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओ हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो, हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। ग्रैबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है।
इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग आर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओ बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओहो वाह क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा। इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए। तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा, मैं गायब करने में माहिर हूँ। शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है। तुम सही कह रहे हो डीबो, सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है। हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म्ड। ओकी टोकी आर्टी चोकी, ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो वो रही एक वहाँ। इधर आइए, आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये डीबो है। अब ब्लिपी और डीबो, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं, समझ गया। हाँ, और सब्जियाँ अलग होती हैं, वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे ब्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या ब्लिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ, ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? सॉरी, सही जवाब है, टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल प्लीपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक
फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने दो सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। शुक्रिया मिस्टर स्लिम, और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं, और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मिस्टर स्लिम, ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लिम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे विशेष अतिथि मैडम मैगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। तुम सही कह रहे हो डीबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है और हम है ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के वो सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये डीबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाओ, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद एक या दो फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। छह फीट ऊंची है, काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है? दस फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है, और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो, जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डीबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडोलेक्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडोलेक्स कंफर्म। प्लेपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। जरूर करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ, करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ, नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे।
मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ, पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर ग्लास है, वो ग्लास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओ, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डीबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। अच्छू, थैंक्स। अच्छू, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो, हेलो। मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं परा का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीक। बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओ, चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को छींक आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए हैं। अच्छा, ये काम नहीं करेगा। ऊँच चढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीक आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओह, हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल, ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस। हमने कर दिखाया। मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं? लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डीबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। अरे बाप रे, एक ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल डीबो,
जब एक ज्वालामुखी फूटता है तो उसके ऊपर से धुआं और लावा निकलता है। मैं सोचता हूँ कि एक ज्वालामुखी फूटने की वजह क्या है। अच्छा आइडिया है, हम इसके अंदर जाकर पता लगाएंगे। मुझे चाहिए विंग्स स्पाइडर लेग्स और एक हीट शील्ड। विंग्स स्पाइडर लेग्स, हीट शील्ड कंफर्म। फ्लिप स्टेशन को एक्टिवेट करो। फ्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। चलो उस जगह से ज्वालामुखी के अंदर चलें। वो, वो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय दोस्तों, मैं हूँ मैगी, मैग्मा मॉन्स्टर। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हमें पता करना है कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। तो ब्लिपी और डीबो, तुम्हें अब एक शानदार नजारा दिखेगा। जिससे याद आया, हमारे नीचे धरती के बहुत अंदर गर्मी से पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैं। आओ। तुम सही हो डीबो, ये हमारे फेवरेट गेम की तरह है। ये जमीन एक लावा है। आओ। वो। मैग्मा लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, तो शायद मैं ही जमीन हूँ। ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि नीचे जितने पत्थर पिघलेंगे उतना ही ज्यादा मैग्मा यहाँ के ऊपर आएगा और बाहर निकल जाएगा। hey, पता नहीं ये कहा जाता है। सब लोग लिपी, मैग्मा। बाल बाल बचे। मैगी, तुमने अब लगभग सारी जगह भर दी है। हाँ बिल्कुल, और मैं ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगी जब तक हम ऊपर बाहर ना निकल जाएं। जरा रुको, अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब देखो कैसा है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैगी, तुमने तो धमाका कर दिया और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि ज्वालामुखी क्यों फूटता है। जब गर्म मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर बनाता है तो वो सतह को फोड़कर बाहर निकल जाता है धमाके से। उत्तर को अपलोड करो डीबो। ये मजेदार था ब्लिपी, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। बिल्कुल। बाय बाय मैगी। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है, हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल, तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। वो मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। वो तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे अरे, हम तो गिर रहे हैं। वेल, मेरे पास है हैवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं।
मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी, सीट बेल्ट बांधो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का। अरे ये तो अमेजिंग है, तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास फोर व्हील स्टीयरिंग है, ताकि नॉर्मल ट्रक्स के दो पहियों के मुकाबले मैं चारों व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं? मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ फोर व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। बिल्कुल सही कहा डीबो, ये कुकीज सांता के लिए है जब वो आज रात हमारे प्रेजेंट लेके आएंगे। अच्छा सवाल है डीबो। मैं सोच रहा हूँ सांता को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं। हे रुक जाओ, बहुत जरूरी। ओ हे छोटे से बॉट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ स्नोबो। हे स्नोबो, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। क्या तुम खो गए हो? बहुत जरूरी। चिंता मत करो स्नोबो, डीबो और मैं तुम्हें घर पहुँचाने में हेल्प करेंगे। शायद डीबो को कुछ मिल गया है। आओ स्नोबो, चलो चलते हैं। तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हमें मजेदार तरीके से नीचे उतरना होगा। फिसल कर। बहुत जरूरी। बोट के पीछे चलो। बहुत जरूरी। वाओ ये! इसके पास रहने की कोशिश करो डीबो। डीबो, स्नोबो, क्या तुम दोनों ठीक हो? बहुत जरूरी। ये क्या है स्नोबो? वो अरे नहीं, स्नोबो, हमें उसे पकड़ना होगा। आ जाओ डीबो। बहुत जरूरी। स्नोबो, डीबो, ओ नो, डीबो, पकड़ लिया नटखट नन्हे बॉट। किसी ने इतना क्रिसमसी घर पहले कभी देखा है? स्नोबो, तुम आ गए, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। हे सांता, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हेलो ब्लिपी और डीबो, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरे स्नोबो को यहाँ तक लाने में हेल्प की। इसे आज रात एक बहुत जरूरी काम करना था, पता है? बहुत जरूरी। देखो स्नोबो मेरी नई स्लेह को चलाने में हेल्प करती है। स्नोबो के बिना मैं दुनिया भर के बच्चों तक प्रेजेंट्स नहीं पहुँचा पाता। सांता, मैं सोच रहा था आपको कैसे पता है कि कौन कहाँ रहता है? जादू से। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सांता को कैसे पता कि हम कहाँ रहते हैं? उनके जादू से। जवाब अपलोड करो डीबो। क्या तुम राइड करना चाहोगे? हाँ जरूर करना चाहेंगे। बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये हम चले। मेरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज।
सही कह रहे हो डीबो, डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो, हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म, मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टायरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं, एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डाइनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं, मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाओ, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 225 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टीरेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चलें टीना। वाओ, तुम्हारे दांत को तो देखो। वाओ, 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 वाह, वाओ, वाह, वाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है, हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं? डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय टीना। बाय, हो सके तो लौट के आना फिर से। आराम से डीबो, संभल कर। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? पर सीरियल बहुत सॉगी हो गया है। पता नहीं सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। बढ़िया आइडिया है डीबो, हम छोटे हो जाते हैं और पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, टकफुट और ग्रैबर आर्म। विंग्स, टकफुट, ग्रैबर आर्म कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। तुमने ठीक कहा डीबो, ये काफी मुश्किल है। अटेंशन। ओह, तुम कौन हो? मैं हूँ स्कूपर स्पून। तुम मुझे सार्जेंट स्कूपर स्पून बुला सकते हो। हे,
ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम सीखने आए हैं कि सीरियल सॉगी क्यों हो जाते हैं। तुम बेहतरीन से भी बेहतर के पास आए हो। सीरियल के ये कुरकुरे टुकड़े किलो से भी सख्त है। बस मुश्किल ये है कि 30 सेकंड्स में इन पर दूध डलने वाला है। फिर क्या होगा? सीरियल पूरा गीला हो जाएगा ब्लिपी। पहले देखने पर लगेगा कि सीरियल पूरी तरह सॉलिड है, पर तुम करीब से देखोगे तो वो तुम्हें पोर्स दिखेगा, यानी वो छोटे छेदों से भरा होता है। गुड आइडिया डीबो, मैं जानकारी इकट्ठा करके आता हूँ और तुम यहाँ पर नजर रखो। फिर से छोटे हो रहे हैं। देखो ये तो गुफा है जो कि सीरियल से बनी हुई लगती है। तुम जिन छेदों में से उड़ रहे हो वो दूध भरने की जगह है और इन्हीं से सीरियल सौगी हो जाता है, फिर सीरियल फैल कर चूरा चूरा हो जाता है। दूध आ रहा है। अरे सीरियल के तो टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। बड़ा हो रहा हूँ। अभी बहने का वक्त नहीं है, हमें अपना सीरियल बचाओ अभियान खत्म करना है। अब जबकि दूध सीरियल में घुस चुका है, हमें जल्दी जल्दी सीरियल उठाना होगा इससे पहले कि वो नरम हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बचा लूंगा। वो क्या है, जब सीरियल पर दूध डालते हैं तब तक वो अपने छेदों के जरिए दूध को सोख लेता है, बिल्कुल जैसे स्पंज पानी को सोखता है। तुम्हारी मदद से हमने सारा सीरियल बचा लिया। बहुत बढ़िया मेरे सैनिकों। थैंक्स सर्जन स्कूपर, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सीरियल सौगी क्यों हो जाते हैं? सीरियल सौगी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दूध सीरियल के छोटे छेदों में भर जाता है और वो फैलता है और फिर गल जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। गुड बाय ब्लिपी। बाय बाय सर्जन स्कूपर। स्कूप के लिए शुक्रिया।